और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है कांकेर से, जहां नक्सलियों ने जारी की है प्रेस विज्ञप्ति। अभुज मीडिया आदिवासियों की हत्या का इसमें आरोप लगाया है। पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने का आरोप लगाया है। डीआरजी ने दो नक्सलियों को मारने का दावा किया था। मृतक के परिजन भी फर्जी मुठभेड़ का अब तक आरोप लगा चुके। तो एक बड़ा खुलासा बैनर के इस प्रेस विज्ञप्ति के जरिए नक्सलियों ने किया है। उन्होंने आरोप लगाया है इसमें कि फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे थे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सूर्य निवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य, क्या अधिक जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा। आज जो है भारत की कम्युनिटी पार्टी माओवादी जो है उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी है, जिन्होंने आज प्रेस विज्ञप्ति कर उन्होंने बताया है कि नक्सलियों के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति हुआ उसमें कहा गया है कि दो अबुज माड़े आदिवासी का फर्जी मुठभेड़ हुआ है और जो उनको मारा गया है फर्जी तरीके से मारा गया है। ये कहना चाहूंगा कि फर्जी मुठभेड़ हुआ है और बाजार से लौटते हुए जो है डीआरजी के जवानों ने उन्हें पकड़ा है और जानबूझ के उनके साथ हमला किया गया है और उन्हें मारा गया है। वहीं बीते दिनों की बात करें, कल जो है उनके परिवार वाले भी थाना कोतवाली थाना पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि ये जो है अपने राशन सामान के लिए बाजार गए थे और बाजार से लौटते हुए जो है उन पर हमला हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सूर्य।